नमस्कार, मैं पंडित मोहित कपिल शर्मा और आप देख रहे हैं NTV ह्यूस्टन और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पर मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले आपको बताएंगे कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा, 12 राशियों के फल, और उसके बाद आज का बहुत अच्छा टॉपिक है, हम बात करेंगे राहु कैसे हमारी वाणी पर इफ़ेक्ट डालता है। तो राहु और आपकी वाणी, ये आज का टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में। मेष राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? मेष राशि वालों के लिए आज बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि कोई दुर्घटना हो सकती है, गाड़ी चलाने में विशेष ध्यान रखें। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो मेक श्योर अपना ब्लड प्रेशर का विशेष ध्यान दें। ओम हंग हनुमते नमः का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। विशेष तौर पर डू नॉट टेक्स्ट एंड ड्राइव, वरना बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है आपकी लापरवाही की वजह से। मेष राशि वाले इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा, हर काम में सफलता मिलेगी, भाग्य पूरा साथ देगा। अगर आज के दिन आप कुछ किसी फ्रेंड के साथ या फिर किसी कार्य में जुटे हुए हैं तो 100% आज के दिन आपको उसमें सफलता ही मिलेगी। भाग्य जोरों शोरों पर है, भाग्य पूरा आज के दिन आपका साथ देगा और दिन के अंत में अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा, कामकाज में सफलता मिलेगी। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो दिन अच्छा है, अच्छे ऑफर आ सकते हैं, जॉब मिलने के आसार हैं। पिता के सहयोग से कुछ अच्छा करने की सोचेंगे आज के दिन। कारोबार में सफलता मिलेगी, अगर आपका बिजनेस है तो उसमें अच्छी आमदनी होगी। आज के दिन अच्छा रहेगा। घर से निकलते हुए हरा दान मंदिर में दान करें, बहुत ही अच्छा दिन आपका शांति से बीत जाएगा। बात करेंगे कर्क राशि की। कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए दिन? कर्क राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा, धन लाभ होगा, पैसा अगर रुका हुआ है तो वापस आएगा और बड़े भाई से धन आमदनी होने के आसार हैं, या फिर बड़े भाई के साथ मिलके किसी कार्य पर योजना बनाएंगे आज के दिन। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए विशेष ध्यान रखने वाली आज की बात है, खर्चे पर विशेष ध्यान दें। अगर कोई पेपर वर्क किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो मेक श्योर सारे पेपर्स को अच्छे से पढ़कर फिर ही साइन करें, और किसी पर कुछ भी भरोसा करके मत चलें। जो भी कुछ साइन करें मेक श्योर पेपर पढ़ लें फिर साइन करें, वरना आपके साथ बहुत ही गड़बड़ हो सकती है आज के दिन। बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा, हर काम में सफलता मिलेगी, आज के दिन बुद्धि से कार्य बनेंगे। तो आज के दिन इट्स अप टू यू, अगर आप लेजी हो गए तो सब काम रुक जाएंगे, अगर आप अच्छे से एक्टिव रहे तो आपके हर काम में सफलता मिलती चली जाएगी। अगर कोई कार्य रुका हुआ है तो पूरा होगा, और आज के दिन कोई अच्छा ऑफर आ सकता है, उसे छोड़े मत, एक्सेप्ट करें। और बुधवार के दिन अगर आप डालना चाहते हैं तो गले में तांबे का सिक्का एक धारण करें लाल धागे के अंदर, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए परमानेंट आप अपने गले में डाल के रखें तांबे का सिक्का। बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है, धन लाभ होगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, आपकी वाणी से कार्य बनेंगे, लोग आज के दिन आपको पसंद करेंगे, आप कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि सब आपकी प्रशंसा करेंगे, धन लाभ होगा, अगर कोई रुका हुआ पैसा है तो वो वापस आएगा आज के दिन। कुल मिलाकर दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। तुला राशि और वृषभ राशि वाले दोनों के लिए दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि की।
वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी मेहनत से कार्य बनेंगे और किसी कार्य में अगर आप जुटे हुए हैं तो जुटे रहें, आपको 100% सफलता ही मिलेगी। और आज के दिन आपके अंदर पूरा जोश भरा रहेगा, पूरे उत्साहित रहेंगे अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं। और दिन के अंत में आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, धन लाभ ही होगा। अगर आपके छोटे भाई हैं तो आप उनकी कुछ हेल्प करने की कोशिश करेंगे या कुछ नया काम अपने छोटे भाई के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप के संबंध आप बनाना चाह रहे हैं आज, तो आप बना सकते हैं। पार्टनरशिप से लाभ ही होगा। काम में सफलता मिलेगी। आज के दिन कुछ नया वाहन खरीदने के, नई कार, मोटरसाइकिल कुछ खरीदने के योग बन सकते हैं। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। अगर खर्चा करेंगे तो कुछ वाहन के ऊपर आज के दिन आप खर्चा कर सकते हैं। कुछ प्लानिंग हो सकती है कि कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल खरीदने के लिए। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। ओनली आज के दिन प्रॉब्लम हो सकती है पेट संबंधित, पेट में गैस, पेट में दर्द, क्रैम्प उठना। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः का पाठ करें, आपका दिन शांति से बीत जाएगा। और आज के दिन विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई अगर आपका समय बर्बाद करने के लिए कोई अगर आज आपके पास आता है तो मेक श्योर अपना समय बर्बाद मत करें, क्योंकि कोई भी मित्र बंधु आपके पास आकर आज के दिन टाइम पास करने की कोशिश करेंगे और इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और अगर पेट संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मंत्र करें, मंत्र आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। या फिर सुबह या फिर शाम के टाइम मंदिर में काला कपड़ा आप दान दें, आपका दिन शांति से बीत जाएगा। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज के दिन जो भी आपके शत्रु हैं परास्त होंगे, आप कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि सब प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर आपने कोई लोन अप्लाई किया हुआ है वो अप्रूव हो जाएगा। दिन कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। कार्यों में सफलता मिलेगी। जिस काम में लगे हुए हैं उसमें लगे रहें और मन लगाकर उस काम में लगे रहें, सफलता ही मिलेगी। बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी दोनों के लिए अगर जो आप लोग मीन राशि वाले हैं, दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। लॉन्ग ट्रिप पे जाने के आसार रहेंगे। कुल मिलाकर दिन शांति के साथ बीतेगा। तो मित्रों, ये था 12 राशियों का राशिफल। आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद मुलाकात होगी और हम चर्चा करेंगे राहु और आपकी वाणी। मनपसंद सुपर मार्केट जहाँ की फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रोजन फ्रूट आइटम्स आपको सबसे अच्छे प्राइस में मिलेंगी और हलाल जबीहा मीट भी मिलेगा। दाम मनपसंद, नाम मनपसंद, तो फिर क्यों ना जाए मनपसंद। लोकेटेड एट विलक्रेस्ट ड्राइव ह्यूस्टन, नॉर्थ हाईवे एंड विलियम कैनन ड्राइव ऑस्टिन टेक्सास। तो नाम याद रखिएगा, मनपसंद सुपर मार्केट। They
told me a bottle couldn't dream. That I would never become a superhero. But I learned how to fly. Just to come back in a new disguise. And be the hero that I've always wanted to be. नमस्कार प्रिय मित्रों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत करते हैं और आप देख रहे हैं एनटीवी ह्यूस्टन। एस्ट्रो गुरु के इस मंच पर आपका फिर से स्वागत है। तो हमारे एक सज्जन का ईमेल आया था, राकेश अनेजा फ्रॉम केटी टेक्सास। उन्होंने ईमेल भेजा है कि ही इज़ फीलिंग सो अपसेट, सो अग्रेसिव, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो जैसा कि राकेश जी, हमने अपना तीसरा एपिसोड किया था राहु के ऊपर, मेक श्योर वो एपिसोड आप ज़रूर चेक करें। और जैसे कि आपकी महादशा राहु की चल रही है, राहु सूर्य देवता के साथ बैठे हुए हैं नीच के लगन के अंदर, इसीलिए काम में अड़चनें, रुकावटें, आपके काम नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहेंगे। जितना राहु का दान मंत्र जाप कर सकते हैं उतना करें। ओम भ्रांग भ्रींग भ्रोंग सह राहवे नमः का पाठ करें और एक सूखा गोला लेकर उसके अंदर बुरा चीनी भरकर उसको पीपल के पेड़ के नीचे दबाएं। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जैसे आपका दिमाग काफ़ी अपसेट है, वो भी स्टेबल हो जाएगा। बट हर महीने में ये उपाय एक बार अवश्य करें। हर महीने में पीपल के पेड़ के नीचे दबाएं। अगर पीपल का पेड़ आपको नहीं मिलता तो आप किसी खाली स्थान में मिट्टी में भी दबा सकते हैं। तो मित्रों, जैसे अभी राकेश जी ने ईमेल किया था राहु के ऊपर, तो आज हम बात करेंगे राहु कैसे आपकी वाणी पर असर डालता है, राहु कैसे अच्छी वाणी बुलवाता है, राहु कैसे बुरी वाणी बुलवाता है और राहु कैसे प्यार भरी वाणी बुलवाता है हमसे। तो आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, राहु का स्थान हमारे मुख के अंदर होता है, यानी कि जीभ के अंदर। जैसे राहु को एक धोखेबाज ग्रह बोला गया है, राहु का काम है हर काम में अड़चन पैदा करना, रुकावटें डालना, डबल माइंड करना, दिमाग को भ्रमित करना। तो ऐसे ही हमारी जीभ भी करती है। तो इसीलिए राहु का स्थान हमारे मुख के अंदर अर्थात हमारी जीभ के अंदर है कि कई बार हमारे मुख से कई बार कुछ अच्छा निकल जाता है, कई बार कुछ बुरा निकल जाता है और कई बार हम कुछ अपने दिल में रोक लेते हैं, जुबान तक लाते हैं बट बोल नहीं पाते। तो ये सब राहु की मेहरबानियाँ हैं। तो मित्रों, आपको बताना चाहूँगा, राहु एक बेपैंदे का लोटा है, ना इधर का ना उधर का, भ्रम में डालता है। बट अगर आपके पास आपकी कुंडली है और ये राहु कैसे हमारी वाणी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो ये आप जान सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि राहु कैसे हमारी वाणी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है और राहु आपकी कुंडली में कौन से ग्रह के साथ बैठा हुआ है, या फिर कौन से ग्रह की राहु के ऊपर दृष्टि है, तो आपकी वाणी कैसी हो सकती है। तो चलिए इस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सूर्य देवता से। राहु अगर सूर्य देवता के साथ बैठा हुआ है या फिर सूर्य की दृष्टि राहु के ऊपर है, तो आप लोगों की वाणी, आपकी वाणी कैसी होगी, आपकी वाणी शाही वाणी होगी। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा, आप ऑर्डर देना पसंद करेंगे, आप ऑर्डर सुनना नहीं। अधिकतर सैनिक, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इनकी कुंडली में अधिकतर राहु और सूर्य मोस्ट ऑफ द टाइम एक साथ होता है। बट अगर राहु की दृष्टि है तो राहु भी देखना पड़ता है कि कुंडली के अंदर अच्छा है या बुरा। पर अगर सूर्य और राहु का आपस में लिंक है तो आपकी वाणी शाही वाणी होगी और आप बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करेंगे,
क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है और आप राजाओं वाली शाही बातें करेंगे। आपकी वाणी बहुत ही, लोग आपकी वाणी को एक, आपको मैं बोलना चाहूँगा इन शब्दों में कि आप जो बोलेंगे वो चीज़ पर आप खरी उतरने की कोशिश पूरा करेंगे। आप जो भी बोलें आप खरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो ये था राहु और सूर्य का कॉम्बिनेशन, या फिर राहु सूर्य के साथ बैठा हुआ है या फिर सूर्य की दृष्टि राहु के ऊपर है। अब बात करेंगे चंद्र देवता की। अगर राहु चंद्र के साथ बैठा हुआ है और या फिर चंद्रमा की राहु के ऊपर दृष्टि है, तो आपकी वाणी बहुत ही चंचल होगी। आप मीठे वचन बोलने वाले होंगे। लोग आपकी वाणी सुनकर आपको लाइक करेंगे। आप मीठा बोलने वाले होंगे, मधुर वचन बोलेंगे, चंचल स्वभाव होगा। बट इसमें भी कई बार हमें देखना पड़ता है कि चंद्रमा नीच का तो नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर राहु की दृष्टि है या फिर चंद्रमा साथ में बैठा हुआ है तो बहुत ही चंचल स्वभाव और अच्छी वाणी मनुष्य की होती है, और ऐसा व्यक्ति बहुत ही शांत रहता है, अपने लिमिटेड मित्र बनाता है, दोस्त बनाता है। तो ये था चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन, या फिर चंद्र देवता राहु के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, या फिर राहु और चंद्र एक साथ बैठे हुए हैं कुंडली के अंदर। अभी बात करेंगे मंगल की। मंगल अगर राहु के साथ बैठा हुआ है या फिर मंगल राहु के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, तो आपका नेचर बहुत ही गुस्से वाला रहेगा। आपकी वाणी के अंदर बहुत गुस्सा रहेगा। आप बहुत ही जल्दी नाराज़ हो जाएंगे किसी छोटी चीज़ के ऊपर। यू लाइक टू गिव द ऑर्डर्स बट यू डोंट लाइक टू लिसन द ऑर्डर्स। आपकी ऐसी स्थिति रहेगी। और जो आप बोलेंगे वो आप पूरा भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर मंगल और राहु एक साथ बैठे हुए हैं, या फिर राहु की और मंगल की युति है, या फिर मंगल राहु के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, तो आप जिस काम में लगे हुए हैं या जिस काम के पीछे पड़े हुए हैं उसको आप पूरा करके ही छोड़ेंगे। ये आपके अंदर बहुत खास बात रहेगी। तो ये था राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन, अगर दोनों कुंडली के अंदर एक साथ बैठे हुए हैं या फिर मंगल की राहु के ऊपर दृष्टि है। अभी बात करेंगे बुध की। बुध कैसे हमारी वाणी के ऊपर इफेक्ट करता है। अगर बुध और राहु कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं और या फिर बुध की दृष्टि राहु पर है, तो आपकी वाणी बहुत ही अच्छी होगी। लोग आपके पास राय मांगने आएंगे। आप बोलने में बहुत एक्सपर्ट होंगे अगर बुध और राहु का कॉम्बिनेशन है या फिर बुध की दृष्टि राहु पर है। अच्छे सिंगर होंगे, अच्छे अकाउंटेंट होंगे। तो इस प्रकार से राहु, जैसा कि मैंने पहले भी अपने एपिसोड में बताया था कि ये हमारा राहु है और राहु का अधिकार हमारी जीभ पर है। कैसे नौ ग्रह हमारी वाणी के ऊपर, जीभ के ऊपर दृष्टि डालते हैं, तो हमारी वाणी कैसे निकल कर आती है। मीठी वाणी, कुछ लोग मीठी वाणी बोलते हैं, कुछ लोग कड़वी वाणी बोलते हैं, काफ़ी गुस्सा आता है, कुछ लोग शाही वाणी बोलते हैं, कुछ लोग प्यार भरी वाणी बोलते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर, अब बात करेंगे बृहस्पति देवता की, अगर आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति राहु के साथ बैठा हुआ है या फिर बृहस्पति देवता की राहु के ऊपर दृष्टि है, तो आप बहुत ही अच्छी वाणी बोलेंगे। आप, आई विल से कि आप एक टीचर हो सकते हैं। आप लोगों को सिखाएंगे कि ये मत करो, ये मत करो। आप एक गुरु हो सकते हैं अगर राहु और गुरु कुंडली में एक साथ बैठा हुआ है। आपकी वाणी बहुत ही अच्छी होगी। आप किसी को सलाह देंगे और सलाह देना पसंद भी करेंगे।
लोग आपके पास सलाह मांगने आएंगे। तो प्रिय मित्रों, कैसे राहु किसी भी ग्रह के साथ बैठ जाता है वैसा ही फल देना शुरू कर देता है। और राहु जैसे अगर शुक्र के साथ बैठता है तो आप कैसी बातें करेंगे? आप प्यार भरी बातें करेंगे, आशिकाना बातें करेंगे, आप बातें करेंगे फिल्म इंडस्ट्रीज़ के बारे में, मेकअप आर्टिस्ट के बारे में, घूमना फिरना आपको पसंद रहेगा, आपको लिमिटेशन पसंद नहीं रहेंगी। कोई आपको बोलेगा कि अरे ये मत करो वो मत करो तो आपको पसंद नहीं आएगा, आप अपनी लाइफ में पूरा एंजॉय करना चाहेंगे। तो इस प्रकार प्रिय मित्रों, जैसे मैंने बताया आपको, राहु कैसे किसी भी ग्रह के साथ बैठकर हमारी वाणी को चेंज कर देता है, तो अपनी कुंडली उठाकर देखें कि राहु कैसे आपकी कुंडली के अंदर कौन से ग्रह के साथ बैठा हुआ है और कौन से ग्रह की दृष्टि है। तो आप देखें कि आप किस टाइप की वाणी बोल रहे हैं, अगर आपको गुस्सा आ रहा है। यही ज्योतिष का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि आप थोड़ा कंट्रोल कर चलें और थोड़े आप उपाय कर लें। जैसा कि मैंने बताया था, 40% ज्योतिष और 60% आपका कर्म। तो ब्रेक के बाद आपको राहु के कुछ मैं उपाय बताऊंगा और केतु का भी थोड़ा वाणी के ऊपर और हमारे हृदय के ऊपर कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है, ये भी आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद बताता हूँ। मैं पंडित मोहित कपिल शर्मा और आप देख रहे हैं NTV ह्यूस्टन। आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। मनपसंद सुपर मार्केट जहाँ की फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रोजन फ्रूट आइटम्स आपको सबसे अच्छे प्राइस में मिलेगी और हलाल ज़बीहा मीट भी मिलेगा। दाम मनपसंद, नाम मनपसंद, तो फिर क्यों ना जाए मनपसंद। लोकेटेड एट विलक्रेस्ट ड्राइव ह्यूस्टन, नॉर्थ हाईवे एंड विलियम कैनन ड्राइव ऑस्टिन टेक्सास। तो नाम याद रखिएगा, मनपसंद सुपर मार्केट। Bottle couldn't dream that I would never become a superhero. But I learned how to fly just to come back in a new disguise and be the hero that I've always wanted to be. नमस्कार, मैं पंडित मोहित कपिल शर्मा और आप देख रहे हैं NTV ह्यूस्टन। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे राहु के उपाय क्या करने चाहिए, कैसे राहु नौ ग्रहों के साथ बैठकर हमारी वाणी के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है और हम किस टाइप की वाणी बोलते हैं। अपनी कुंडली उठाकर आप खुद चेक कर सकते हैं। तो राहु का अगर कुंडली के अंदर राहु ख़राब चल रहा है, मैं आपको बताऊँगा, एक सूखा नारियल लेकर उसको आप ऊपर से काट कर उसके अंदर चीनी या बूरा भरकर आप खाली स्थान पर या फिर पीपल के पेड़ के नीचे एवरी मंथ उसको दबा दिया करें और आप देखें राहु का असर किस तरीके से कटता चला जाता है। दूसरा, राहु का आप अधिक से अधिक मंत्र करें रात के टाइम जितना आप कर सकते हैं, ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रोंग सह रावे नमः। तीसरा, आपको बताना चाहूँगा कि एक तांबे का सिक्का लेकर उसके ऊपर आप छोटा सा कुंडा लगवा दें और लाल धागे में बुधवार के दिन एक माला ओम भ्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह रावे नमा कर गले में आप धारण करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आपकी वाणी कंट्रोल में रहेगी। कई बार मुंह से कुछ निकल जाता है, कई बार आप गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बाद में पछताते हैं, अरे ये मेरे मुख से ऐसा क्यों निकल गया। तो अभी बात करेंगे केतु के बारे में। केतु का स्थान हमारा हृदय होता है। कई बार क्या होता है कि अगर केतु के अंदर, केतु हमारी हृदय से लेके हमारे कंठ तक होता है, कई बार हम बोलते बोलते कुछ बात अपनी जुबान तक ले आते हैं पर फिर रुक जाते हैं। तो इसीलिए केतु को बोला गया है कि ये सीक्रेट चीज़ों का ओनर है, सीक्रेट चीज़ों का स्वामी है,
कई लोग साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, आप लोग काफ़ी डीप में जाने की कोशिश करते हैं, कई बार आप लोग घुन्ने होते हैं, किसी को कुछ बताना पसंद नहीं करते, ये सब केतु की मेहरबानी है। अगर कुंडली के अंदर केतु खराब चल रहा है तो आप क्या करें, अगर आप करना चाहें तो सबसे बेस्ट उपाय केतु का है कि आप काला कुत्ता पालें। वो आप नहीं कर सकते तो केतु का मंत्र जाप करें और रात को कुत्ते को रोटी के ऊपर थोड़ा सा मीठा लगाकर आप कुत्ते को खिलाएं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। या फिर आप केतु का मंत्र कर सकते हैं, ओम स्ट्रांग स्ट्रिंग स्ट्रोंग स केतवे नमः। तो मित्रों, जैसे मैंने आपको बताया राहु और आपकी वाणी इस टॉपिक में कि कैसे राहु हमारी कुंडली में हमसे कैसी वाणी बुलवाता है, तो आप अपनी कुंडली उठाकर चेक कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको आपकी कुंडली के अंदर राहु खराब बैठा हुआ है तो आप ये उपाय अवश्य करें और आप देखेंगे बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ के अंदर आएगा। और आप देख रहे हैं NTV ह्यूस्टन। अपने सवाल जवाब नीचे लिखे ईमेल के ऊपर आप भेजें और हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम उन सवालों के उत्तर दे सकें। मैं पंडित मोहित कपिल शर्मा और आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। नमस्कार।